हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का आज के इस रीडिंग के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर ढेर सारा वाला वेलकम करती हूँ। मेरा नाम है प्रियंका और आप लोग मुझे सुन रहे हैं 111 टैरिट के अंदर। दिस इज नॉट ओनली अ चैनल बट अ काइंड ऑफ अ फैमिली गाइज। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है, आज का जो टैरो सेशन होने वाला है, वो होने वाला है उन स्पेशल लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में चाह के ना चाह करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली बट गोल्डन मिनट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है द गोल्डन टाइम पीरियड और अ मिनट और अ सीजन और अ सीक्वेंस। आपको पता है गाइस, हर किसी की जिंदगी में गोल्डन टाइम पीरियड आता है। ये एक ऐसा समय होता है जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस होते हो, आपके पास मनी के स्रोत होते हैं, आप परमात्मा से बहुत कनेक्टेड होते हो, आप चैरिटी बहुत ज्यादा करते हो और आप पीस यानी कि शांति में जीते हो। आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में मांगना चाहते हो, लेना चाहते हो, पाना चाहते हो, आपको तुरंत वो चीज मिल जाती है। सो एक ऐसा टाइम पीरियड। अब लोगों की जिंदगी में ना, ये कभी 1 महीने के लिए आता है, कभी 6 महीने के लिए आता है, तो कभी साल भर के लिए आता है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स साल की एनर्जी होती है। और कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी समझदार लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में ये जो टाइम पीरियड है बना ही रहता है। ठीक है, आज हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। माय ब्यूटीफुल पीपल, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, डायरेक्टली या अनडायरेक्टली, अगर आप अपनी जिंदगी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, तो आखिरकार वो किस तरीके से है और क्या है, आज का टॉपिक यही होने वाला है। आज की इस रीडिंग के अंदर हम जानेंगे 5 ऐसे लक्षण जिनसे हमें पता लगता है कि हमारा गोल्डन टाइम पीरियड जो है वो शुरू होने को है, या वो शुरू हो चुका है, या बहुत जल्दी हम उसके अंदर एंजॉय करने वाले हैं। और इसी प्रकार 5 ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं जिससे आप अपनी लाइफ में तुरंत से गोल्डन टाइम पीरियड को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज की रीडिंग किसी भी प्रकार से पिक अ कार्ड या पिक अ पाइल नहीं है, किसी भी ग्रुप्स के अंदर बटी हुई रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिससे रेजोनेट करेगी, जिसके लिए होगी, उस तक पहुंच जाएगा ये वीडियो। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपका, द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आपका जो गोल्डन टाइम पीरियड है क्या वो शुरू होने को है या क्या वो शुरू हो चुका है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स। सबसे पहले जो है, मैं आप लोगों की यहां पर एनर्जीज आपको बताना चाहती हूं, ठीक है, ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि हाँ भाई, ये आप ही की रीडिंग है या नहीं। आज की जो कलेक्टिव गाइडेंस है, आज की जो कलेक्टिव रीडिंग है, वो आप ही के लिए है या नहीं। और अगर अभी जो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने ये नहीं सोचना है कि आज की रीडिंग मेरे लिए नहीं है तो कुछ काम नहीं बन पाएगा। आपने फिर क्या करना है, डायरेक्ट जंप करना है 5 उन साइंस की तरफ जो कि आपको मिलते हैं जब आपका गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है, एंड 5 उन बिहेवियरल पैटर्न्स की तरफ जो कि करके आप अपनी लाइफ में गोल्डन टाइम पीरियड को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस चीज के बारे में अच्छे से समझ आ गया है कि गोल्डन टाइम पीरियड मिनट और सीक्वेंस और सीजन होता क्या है, एंड इसको किस तरीके से आज हम रीडिंग के माध्यम से इस्तेमाल करने वाले हैं, इसके बारे में क्या क्या जानने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपको समझ आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं आपका गोल्डन टाइम पीरियड। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड डीप डाउन मुझे कहीं ना कहीं ऐसी अंदर से महसूस हो रही है वाइब्रेशन, ये वीडियो सिर्फ उसी तक पहुंचेगी जिसका सच में गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट होने को है। ओके, सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड यस, दिस इज इन कलेक्टिव रीडिंग, तो आज कोई पिकअप आइल नहीं है। आज आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है कि मैंने ये वाला पाइल पिक किया था, मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे वो समझ नहीं आया। और किसी ने तो मुझे, आई थिंक मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने इस कमेंट को पढ़ा कि
आप इंट्रो में बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हो। अरे भाई अब 3-4 मिनट तो लूंगी ना, एटलीस्ट 5 मिनट तो लूंगी एटलीस्ट समझाने के लिए। तो मेरा ये मैसेज उन लोगों तक है जिन लोगों को ये लगता है कि भैया आप तो इंट्रो में बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हो, ये करते हो, आप तो बहुत बोलते हो ये वो। तो भाई बोलना तो मेरा काम है, ठीक है, बोलूं, मैं ही नहीं बोलूंगी तो फिर कौन बोलेगा। बींग अ रीडर मेरा तो काम ही बोलना है, मेरा काम ही समहाउ जो भी कार्ड्स में आ रहा है जैसे आ रहा है बताना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इंट्रो बहुत बड़ा कर देती हूँ, जो कि बड़ा है नहीं, क्योंकि टॉपिक की एनर्जीज, उसकी गंभीरता और सबसे बड़ी बात किस तरीके से रीडिंग होगी, ये तो मेरा समझाना परम कर्तव्य है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है सो दे कैन स्पीड अप द वीडियो, ठीक है, आप स्पीड बढ़ा सकते हो। YouTube ने ये फंक्शंस दिए हुए हैं कि आपको किसी की बात सुननी भी है लेकिन आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो आवाज़ आप वहाँ से जो है ज़्यादा मतलब स्पीड बढ़ा दो उसकी, ठीक है। हे ईश्वर गाइड कीजिएगा, आप जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है उसकी करंट एनर्जीज क्या है अभी इस वक्त हाल फिलहाल। एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, जस्टिस इन रिवर्स, डेथ ऐसे आया था ये, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, दीज आर वाइस वर्सा डेक, आई स्पेशली यूज देम फॉर दी एनर्जी, मैजिशियन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, अरे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज योर एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। मुझे यहाँ पर ऐसे लोगों की ऊर्जा ज्यादा नजर आ रही है जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से थक गए हैं लेकिन स्ट्रगल फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है, लाइक टोटली गिव अप की एनर्जी में नहीं है, लेकिन बहुत बार तड़प जाते हैं, बहुत बार सोच विचार में पड़ जाते हैं कि यार व्हाई इट इज ऑलवेज फॉर मी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइन यहाँ पर आज मौजूद हैं। और मुझे यहाँ पर टॉरस, लीब्रा, एरीज की एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है, ठीक है। 1, 3, 7, 5, 11, 15, 17, 19, 21, 26, 28, 31, 30 और 16 ये नंबर्स मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हो रहे हैं। हो सकता है ये नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ हों या फिर ये नंबर आने वाले समय में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट हों। लेकिन डेट के लिए तो मैंने सोचा है आप लोगों को मैं अलग तरीके से कुछ कार्ड्स निकाल के बताऊंगी, तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, ठीक है। एस आर टी वाई ए के एन यू के, इन अल्फाबेट्स की एनर्जी भी यहां पर बहुत है। ओके, सो किसी से कुछ रेजोनेट होगा, किसी से कुछ रेजोनेट होगा, इट इज वेरी सिंपल। नाउ व्हाट आई एम गेटिंग आप लोगों की ऊर्जा की वजह से मैं जो चीज महसूस कर पा रही हूं यहां पर बहुत स्ट्रांगली, वो है कि अभी हाल फिलहाल आप अपनी जिंदगी में प्यार को भी ढूंढ रहे हो, करियर को भी ढूंढ रहे हो,
या तो प्यार ढूंढ रहे हो या करियर ढूंढ रहे हो, ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ऊपर से कलेक्टिव रीडिंग है. कलेक्टिव रीडिंग ज्यादा टफ होती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सब लोगों की एनर्जी होती है. सो आई एम फीलिंग कि आप अपनी जिंदगी में ना कुछ ढूंढ रहे हो, और वो चीज़ क्योंकि आपको मिल नहीं रही है, एंड जब आपको वो चीज़ मिल नहीं रही है तो आपके दिमाग के जो तार है ना वो लगते गिरते रह रहे हैं. आपको समहाउ बहुत बार फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत बार आप चीज़ों को लेकर के आपका दिमाग खराब हो जाता है, बहुत बार आप सोचते हो कि हाउ टू डील विद दिस एनर्जी, ऐसा क्या करूं मैं जिससे कि चीजें सही हो जाए मेरी लाइफ में, और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती है. मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप प्लानिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं आजकल, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने वेलफेयर को बढ़ा सकें, आप अपनी जिंदगी की ऊर्जाओं को बढ़ा सकें, किस तरीके से आप कुछ ऐसा काम करें जिससे कि लोग आपको समझ सकें या लोग आपको समझने की कोशिश करें, है ना. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर. मुझे ऐसा भी यहाँ पर महसूस हो रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परमात्मा से खफा हैं, या मैं ऐसा कहूं कि परमात्मा से खफा अगर नहीं भी है ना तो भी अब आपको ऐसा लगने लगा है जैसे भगवान जी तो मेरी सुनते ही नहीं है. अब मैं यहाँ पर एक बात बता देना चाहती हूँ. अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आई थिंक एक रीडिंग की थी कल या परसों, जिसका टॉपिक था गॉड वॉइस फॉर यू, या फिर क्या परमात्मा आपकी सुनते हैं. आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो. आपको आपके सवालों के वहां जवाब मिलेंगे कि आखिरकार दिक्कत आ कहाँ रही है, ठीक है, वो भी स्वयं परमात्मा की तरफ से. सो उन मैसेजेस को आपने डिकोड करना है. आप जा सकते हैं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है. तो मैं यहाँ पर इन्हीं इसी तरीके की एनर्जीज देख रही हूँ, जैसे कि जस्टिस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, मन नहीं है लेकिन काम कर रहे हैं, खुशी नहीं है लेकिन करना मजबूरी है, ऐसा लगने लगा है कि अब कोई और चारा है नहीं करने के लिए तो मुझे तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी. सो समहाउ दीज काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम सीइंग. अपनी लाइफ के अंदर सेटिस्फाइड नहीं है, स्टेबल नहीं है, सिक्योर नहीं फील करते हैं. बहुत बार दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और किन्हीं दो से तीन चीजों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं. अब देखो ना, आप इस कार्ड को देखो, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. इसको स्ट्रगल करने की जरूरत है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खड़ा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने वाली ऊर्जा नहीं दिख रही है मुझे. लेकिन हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ बहुत स्ट्रांगली कि आपकी जो ऊर्जा है वो अभी मैजिशियन की है, मैजिशियन की ऊर्जा, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करिए कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी में है. आप अपनी जिंदगी में ना इस वक्त अभी हाल फिलहाल चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. तो आपके लिए एक सलाह, आपने चीजों को सोच समझ करके सोचने की जरूरत है, या अपने मुंह से है ना चीजों को जब भी निकालो ना तो सोच समझ के निकालना, क्योंकि वो चीज बहुत स्ट्रांगली पूरी हो जाएगी. और आपको पता है कि जो हम नेगेटिव चीजें बोलते हैं वो जल्दी क्यों सुन लेते हैं परमात्मा, या वो जल्दी से पूरी हो जाती है और अच्छी चीजें क्यों पूरी नहीं हो पाती हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है. आप जब भी कुछ अच्छा बुरा बोलते हो ना कि मेरी तो जिंदगी खराब है, आपने बोला कट 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 मेरी नहीं है. जब आपने ऐसा बोला, बोलने के बाद क्या सिचुएशन होती है गाइस, कि आप उसको बोल करके भूल जाते हो, ठीक है, आप ना उसके अंदर स्ट्रांग एनर्जी डाल रहे होते हो, ना कुछ कर रहे होते हो, ना आप उसके पीछे भाग रहे होते हो. अब वो चीज तो आपकी जल्दी से हो जाती है. जब कुछ आप पॉजिटिव डालते हो, जैसे आप कुछ अफर्मेशन बोल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपके दिमाग में समहाउ एक दिमाग में चलता रहता है, यार मैंने आजकल वो करना शुरू किया है, देखते हैं उसका मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा. तो आप क्या है ना, बुरा बोलते हो अपने बारे में अनइंटेंशनली, तो उसके पीछे आप डेस्परेट नहीं होते हो, आप उसको बहुत इजीली सरेंडर कर पाते हो. लेकिन जब आप कुछ भी अनइंटेंशनली बोलते हो या करते हो ना, तो उसके पीछे आप डेस्परेट हो जाते हो, कोडिपेंडेंट हो जाते हो. तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल. सो आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, वेटिंग, प्लानिंग, कंपैरिजन, स्ट्रगल, लो कॉन्फिडेंस, अनस्टेबल, अनसेटिस्फाइड लाइफ, प्लस कंफ्यूजन. सो ये ऊर्जा मैंने यहाँ पर आप लोगों की देखी. अब आपने इस चीज को महसूस करना है कि आपसे जो है कितना ये रेजोनेट हुआ. अब हम जंप करते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रीडिंग, यानी कि अपनी इस रीडिंग के सेकेंड पार्ट की तरफ.
जो कि है कि क्या आपकी जिंदगी में गोल्डन टाइम स्टार्ट होने को है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं विद दी एनर्जी। और जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ, पांच ऐसे साइन या आप कह सकते हो पांच ऐसे लक्षण जिनको देखने के बाद या जिनको महसूस करने के बाद यू गाइज विल एक्सपीरियंस दिस ब्यूटिफुल टाइम पीरियड इन योर लाइफ। यानी कि ये एक ऐसे साइंस हैं, जब ये साइंस आपको मिलने शुरू हो जाए ना, तो आप समझ जाना कि आपका जो गोल्डन टाइम पीरियड है वो फाइनली स्टार्ट होने वाला है। सो पहला साइन होता है कि आप लोगों से अपना कंपैरिजन करना बंद कर देते हो, लाइक टोटल नो कंपैरिजन। ठीक है, बिल्कुल नो कंपैरिजन। या मैं ऐसा कहूँ कि आपके दिमाग में लोगों के साथ का अपना कोई कंपैरिजन आता ही नहीं है। आप इस थॉट ऑफ प्रोसेस में चले जाते हो कि अब मुझे किसी से अपनी तुलना करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो लव हो, चाहे फिर वो स्किन का कलर या शेड हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो, आप अपना कंपैरिजन लोगों से करना बंद कर देते हैं और आप अपने अंतर मन में सेटिस्फाइड फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे पास जो है ठीक है, उसका मैं नहीं छीन सकती, ना मेरा वो छीन सकता। ठीक है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद माई ओन एनर्जीज। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट साइन। सेकेंड साइन, आपको 111, 1111 और 1010 बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। यानी कि 111, 1010, 1111 यानी कि 1111 आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। ठीक है, 1111 यह है दूसरा साइन। तीसरा साइन जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आपका जो विश्वास है परमात्मा पे वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप परमात्मा से कुछ भी मांगते नहीं हैं। कुछ भी मांगना आपको पसंद नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि जो चल रहा है चलने दो, अच्छा है, जो भी हो रहा है ना उसे होने दो। शायद इसके अंदर मेरी किसी भी तरीके की कोई भी खुशी छुपी होगी, आपको ऐसा महसूस होने लगता है। चौथा साइन, आपको अपना जो जीवन है वो बोरिंग ना लगते हुए ऐसा लगने लगता है कि आपने कितना कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी से, कितना कुछ आपने जानने की कोशिश करी, कितना कुछ आपने समझा, कितना कुछ आपने जाना अपने जीवन के अंदर। आप बुरी बुरी बातें करना बंद कर देते हो और आपको ऐसा लगने लगता है कि जो भी मेरे जीवन में हुआ उसका बड़ा एक मकसद रहा है और उस मकसद को मुझे कंप्लीट करना है somehow। ठीक है, और पांचवा और सबसे 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 महत्वपूर्ण साइन होता है गाइस, कौन सा, कि आपको भगवान जी या भगवान के कोई सपने आने लगते हैं, भगवान जी के कोई सपने आने लगते हैं आपको। आप जिस भी धर्म, जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल, आपको भगवान जी के सपने नजर आने लगते हैं या फिर आपको सेलिब्रिटीज नजर आने लगते हैं सपनों के अंदर। ठीक है, किसी को वो एक्टर दिखा, किसी को वो एक्ट्रेस दिखी, कि कोई किसी के साथ झूले पे झूल रहा था, कोई किसी के साथ पार्क में बैठा था, कोई किसी के साथ खाना खा रहा था। सो इस तरीके के सपने आपको आने लगते हैं। तो आप समझ जाना, जब भी आपको सपनों के अंदर सेलिब्रिटी दिखे या भगवान जी दिखे, है ना, या फिर आपको दूध का प्याला दिखे, ठीक है, दूध, दूध, नॉट दही एंड बूरा और वाइट चावल, नहीं, दूध अगर दिखे, तो समझ जाना आपका जो है एक गोल्डन टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया है। इट इज रियलिटी। ठीक है, समझ जाइएगा इस चीज को बहुत क्लैरिटी के साथ। तो ये मैंने आपको पांच ऐसे लक्षण बताए हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि अब आपका जो है गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो चुका है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या आप वो लकी इंसान है जिसका गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। पहली बात तो ये बॉटम ऑफ द डे के क्रिएटिविटी का कार्ड, कहीं ना कहीं आपको अभी जो मैंने लक्षण बताए हैं इनमें से कुछ लक्षण आपके लाइफ में हो रहे होंगे, राइट। तो अगर ऐसा है तो आप समझ जाइएगा कि हाँ भाई, आपका समय अब शुरू हो गया है। ओके, और इंटेंशनली किस तरीके से उस समय को हम लेकर आ सकते हैं वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी ही। बॉटम ऑफ द डे पावर लाइन का कार्ड है, द एनर्जी, कार्ड नंबर 36। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। यहां पर पहला कार्ड है स्टार,
दूसरा कार्ड है एस ऑफ वॉन्स, तीसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्स, चौथा कार्ड है पेज ऑफ वॉन्स, ठीक है, पांचवा कार्ड है पेज ऑफ कप्स और छठा कार्ड है फोर ऑफ कप्स। नाइस। यहां पर पहला कार्ड है ओशो का थंडरबोल्ट, दूसरा कार्ड है आउटसाइडर्स, तीसरा कार्ड है यहां पर द फ्रेंडलीनेस और चौथा कार्ड है यहां पर द स्लोइंग डाउन। आपके लिए गाइडेंस आई है, बहुत ढंग से समझने की कोशिश करना। यहां पर है कार्ड नंबर 39 द वॉटर सरेंडर, उसके बाद में कार्ड नंबर 42 एंसेस्ट्री, कार्ड नंबर 30 द स्माइल एंड द जॉय और चौथा कार्ड है यहां पर आपके लिए हीलिंग। ठीक है, स्पिरिट गाइड्स, वन मोर कार्ड, वन मोर, फर्टिलिटी, बाउंड्रीज, दो बार सेम सिमिलर गाइडेंस, इसका मतलब जरूरी है। ओके, आप ऐसे बहुत सारे लोग जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, बाकी इंडिकेशंस मैंने आपको बताई ही थी। गाइज, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए महसूस कर रही हूँ कि आप उनमें से लोग हैं जो अपना कंपैरिजन लोगों से करना थोड़ा कम ही पसंद करते हैं, एक ऐसे इंसान जो अपनी ही इच्छा के हिसाब से रहना पसंद करते हैं। आई एम सीइंग बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर ये गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इंटेंशनली आप कुछ चार पांच काम है जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ वो आप करना स्टार्ट कर दो, आपका जो सही समय है यानी कि जो आपका गोल्डन टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होने को है। क्योंकि मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ ना कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली समहाउ आप चीज को कर ही रहे हैं। पहला काम है लाल रंग का सिंदूर डाल करके पानी में रोज सूर्य भगवान को जलाभिषेक करना। ठीक है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए अगर आप अपनी लाइफ में गोल्डन टाइम पीरियड को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। सेकंड काम आप कर सकते हो क्या, जब भी घर से बाहर निकलो तो आपने अपने माथे पर या तो तिलक लगाना है या एक छोटी बिंदी लगानी है, ये चंदन की भी हो सकती है, सिंदूर की भी हो सकती है, डजंट मैटर। हमेशा आपने कभी भी खुले सर से बाहर नहीं निकलना है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑफिस होता है जिनमें ये सब अलाउ नहीं होता है, तो यू कैन डू वन थिंग, जो शाम में सुबह जब हम आरती पूजा करते हैं तो जब अगरबत्ती या धूपबत्ती जो भी जलाते हैं उसके एशेज नीचे गिर जाते हैं, है ना, उसको थोड़ा सा ऐसे लेना है आपने और उस एशेज को ऐसे लेना है और परमात्मा का नाम लेके उसको लगा लेना है। ठीक है, अब ये क्या है, एनर्जी सर्कल आपका बना के रखेगा लेकिन वो दिखेगा नहीं। थोड़े टाइम बाद जब हवा पानी के संपर्क में आप आएंगे तो वो वैसे भी टीका इधर उधर हो जाएगा लेकिन एनर्जी सर्कल आपका बना रहेगा। दूसरा काम आप ये नहीं करना है। तीसरा काम आपने करना है मछली, पंछी, ठीक है, डॉगीज या फिर कैट्स या फिर जो आपकी होती हैं गाय, ठीक है, इनको जो है आपने जितना हो सके उतना फीड कराना है, खाना खिलाना है। आप जितना ऐसा करते हैं उससे भी आपका गोल्डन टाइम पीरियड आता है। एंड चौथी चीज, अपना कंपैरिजन लोगों से करना बंद कर दीजिए और पांचवा, परमात्मा के ऊपर अटूट विश्वास रखना शुरू कर दें। जो भी आपकी जिंदगी में अच्छा है उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना शुरू कर दें। आप एक लिस्ट बना सकते हैं, उस लिस्ट के अंदर 5 से 10 ऐसी चीजें लिखें जिनको महसूस करके आपको अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट मेरे पास ये है, इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड पे करती हूं। ऐसी कुछ 5 से 10 चीजें बना लीजिए, 5 भी नहीं है, 3 है, 1 ही है, बना लो, ठीक है, और उसको कहीं पर तो चिपका लो। मैं तो क्या करती हूँ, बहुत बार अपने फोन का वॉलपेपर ही लगा लेती हूँ ऐसी चीजें, ठीक है, ताकि मुझे रिमाइंड रहे बार बार, क्योंकि फोन खुलता रहता है तो बार बार पता लगता रहता है। और आप जितनी भी बार उस चिट को देखें, जितनी भी बार आप उस फोटो को देखें, उस बात को पढ़ें, आप उतनी ही बार भगवान को थैंक यू बोलें। आप ऐसा करना स्टार्ट कर लो, इन 5 चीजों को करना स्टार्ट कर लो, आपका गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज मैं देख रही हूँ आपका गोल्डन पीरियड जैसे ही स्टार्ट होगा आपको करियर के अंदर बहुत सारी तरक्की मिलेगी, आप पेज ऑफ वॉन्ड्स से डायरेक्ट किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में चले जाएंगे, आपकी जिंदगी के अंदर ना एक क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप अपने लाइफ के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्लियर नहीं है, जहाँ पर आपको नहीं पता है कि अब
क्या होगा वहां पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको ट्रू लव मिल जाएगा और लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे ही आपका गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट होगा आपका जो कनेक्शन है वो परमात्मा के साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप हर क्षेत्र में ग्रोथ करेंगे, फर्टिलिटी का कार्ड है, लेकिन आपको एक सलाह दी जाती है और वो सलाह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बाउंड्रीज की सलाह। आपको ना अपने आसपास के लोगों के अंदर थोड़ा सा देखना आना चाहिए कि कौन आपका सगा और कौन आपका पराया, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको बुरा चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी तरक्की से जलते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर आप तरक्की कर गए अपनी जिंदगी में तो कहीं ना कहीं आप है ना एक अलग ही तरीके के इंसान बन जाओगे। आपके अंदर वो स्पार्क है, वो करिश्मा है, तो लोगों को समहाउ यहाँ पर आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके फ्रेंड बन के रह रहे हैं लेकिन असलियत में उनकी एनर्जी है कि आपके प्रोसेस को स्लो कर दिया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपकी जिंदगी में जो कि आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, नेगेटिवली बूस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर साइन है परमात्मा की तरफ से कि आप सब कुछ सरेंडर करें, ठीक है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी चाहते हैं कि आप हर चीज परमात्मा को आप सरेंडर करें, ठीक है। आप अपने आप को हील करें और आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिया गया है कि आपके जिंदगी में जॉय आ सकता है इन छोटे छोटे कामों को करके, ठीक है। इन छोटे छोटे कामों को आप करना स्टार्ट करो, आप देखोगे आपकी लाइफ में कितनी क्लैरिटी आ रही है। एडवाइस परमात्मा की तरफ से। रिश्ते होते हैं ना वो असाइनमेंट्स की तरह होते हैं, ठीक है। उनको समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है, सही निश्चित रूप से उनको उनकी कटाई छटाई सब की जाती है और फिर उनको देखा जाता है कि वो आपके लिए कितने सगे हैं। अगर नहीं है तो उनको साइड भी करना पड़ता है। तो रिलेशनशिप्स आर लाइक असाइनमेंट्स, उन्हें हमें समय देना पड़ता है। एंड बॉटम ऑफ द डे आई एम ग्रेटफुल फॉर द अर्थ। तो यहाँ पर अगेन द सेम थिंग, आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, ठीक है। ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट होते के साथ आपको मिलेगी वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये रीडिंग जिससे रेजोनेट हुई है ना वो बहुत लकी इंसान है। तो ये तीन चीजें क्या क्या है? पहले है परफेक्ट लाइफस्टाइल, आपका वेलफेयर हो जाएगा लाइफ का, हर क्षेत्र में आपको विक्ट्री मिलेगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपके मिल सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ एक हैप्पी वेलफेयर्ड लाइफ के अंदर जी सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू गाइस, अ परफेक्ट पॉजिटिव लाइफस्टाइल एंड अ हेल्दी एनर्जीज यू गाइस आर मैनिफेस्टिंग। सो इस चीज को समझे, इस चीज की गहराई को समझे और आगे बढ़े। जो चीजें मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं उसको समझने की कोशिश करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट सच मोर गाइडेड वीडियोस इन योर लाइफ देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिएगा और लव यू बहुत बहुत सारा वाला। आप सभी लोग मेरी हिम्मत है और उसी तरीके से मैं हमेशा आपकी हिम्मत बनी रहूंगी। सो लव यू ऑल, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए याद रखना जो पांच मैंने लक्षण और जो पांच मैंने आपको ट्रेड्स बताए वो करना मत भूलना। लव यू मेरे प्यारे चांद के टुकड़ों, बाय बाय।